यह जिला का टॉप 10 अपराधियों में से एक है। नाम ज्योतिष कुमार, पर नाम के विपरीत इसका काम अपराध करना और रंगदारी, हत्या, लूट की वारदातों को अंजाम देना रहा है। और इस काम के लिए इसके पास असलाहों की कोई कमी नहीं थी। देसी कट्टा से लेकर US मेड पिस्टल और इंडियन मेड पिस्टल के अलावे नेपाली खुखरी के साथ गुप्ती जैसे हथियार भी यह रखता था। लोग इससे खौफ खाते थे क्योंकि इलाके में इसके नाम का डंका बजता रहा है। पर जब एक रात बेगूसराय पुलिस ने एक इसके छुपने की जगह पर दबिश दी तो यह पकड़ा गया। इसके सारे हथियार भी पुलिस ने जब्त कर लिए। दरअसल बेगूसराय के SP अवकाश कुमार को एक गुप्त सूचना मिली थी कि बेगूसराय और खगड़िया का टॉप 10 में से एक अपराधी ज्योतिष कुमार बेगूसराय के शक्तिचौरा गांव में मौजूद है और इसके पास बड़ी संख्या में हथियार भी मौजूद है। इसकी सूचना मिलते ही SP अवकाश कुमार ने तत्काल बलिया थाना प्रभारी को ज्योतिष कुमार के छिपने के स्थान पर रेड करने की जिम्मेदारी दी। बलिया थाना प्रभारी रविंद्र मोहन प्रसाद ने तत्काल अपने सहयोगियों के साथ शक्तिचौरा गांव में छापेमारी की, जहां से ज्योतिष कुमार को हथियारों के साथ दबोच लिया गया। गिरफ्तार ज्योतिष कुमार के पास से पुलिस को देसी कट्टा, US निर्मित एक पिस्टल, इंडिया मेड एक पिस्टल, एक भुजाली और 5 जिंदा कारतूस के साथ कई खोखा भी बरामद हुआ। बताते चलें कि बलिया थाना के नगरगामा गांव के महाराणा सिंह का बेटा ज्योतिष कुमार पर बेगूसराय में कई संगीन मामले दर्ज हैं। इसकी गिरफ्तारी एक गुप्त सूचना के आधार पर की गई। ज्योतिष कुमार पर बलिया थाना क्षेत्र में लगभग 5 मामले दर्ज हैं। वहीं खगड़िया जिले में भी इस पर 8 संगीन मामले दर्ज हैं। इस मामले में मुख्यालय DSP निशित प्रिया ने कहा कि पुलिस के द्वारा की गई छापेमारी में शक्तिचौरा गांव से ज्योतिष कुमार की गिरफ्तारी की गई है। DSP निशित प्रिया ने कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ज्योतिष कुमार किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था, लेकिन वह अपराध को अंजाम देता कि इससे पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गया। दिनांक 18/4 को गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार DSP प्रोबेशनर जो SHO बलिया हैं रविंद्र मोहन प्रसाद के नेतृत्व में टीम गठन की गई थी और हम लोगों को जानकारी मिली थी कि ये ज्योतिष कुमार कहीं पे है। तो इस संदर्भ में जब छापेमारी की गई तो ज्योतिष कुमार की गिरफ्तारी हुई और उसके साथ में सामान हुआ है एक देसी बंदूक, ऑटोमेटिक पिस्टल, एक भुजाली, जिंदा कारतूस 8 और उसके साथ खोखा की बरामद की गई। इसका आपराधिक इतिहास हमारे यहाँ रहा है। इसके अलावा खगड़िया में भी इस पर कई कांड दर्ज हैं। अभी आगे की कार्रवाई की जाए। इसका किस तरह का क्रिमिनल बैकग्राउंड है? इन पर आर्म्स एक्ट का और रंगदारी का कई केसेस बेगूसराय में। कितने दिन से फरार चला था ये? किसी मामले में फरार नहीं था। अभी इसका हथियार के साथ इसके बाद तस्करी से जुड़ा हुआ मामला है क्या? नहीं, तस्करी नहीं है। ये एक तरह से रंगदारी का मामला था और बलिया थाना के टॉप 3 क्रिमिनल में इसका नाम था। क्या लग रहा था कि मैम कि कोई घटना को भी अंजाम देने की फिराक में था जब इतना बड़ा? प्रथम दृष्टया ऐसे माना नहीं जा सकता है जी। प्रथम दृष्टया इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, बाकी अग्रसर अनुसंधान में सभी सच्चाई सामने आ जाएगी। आपको बता दें कि ज्योतिष कुमार बेगूसराय और खगड़िया का टॉप 10 अपराधियों में शामिल है। इसकी तलाश काफी दिनों से पुलिस को थी। ज्योतिष कुमार का बेगूसराय और खगड़िया जिला में लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। इसकी गिरफ्तारी को पुलिस बड़ी कामयाबी मान रही है। खुलासा के लिए बेगूसराय से संतोष प्रसाद की यह खास रिपोर्ट।